हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले तो 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 90 आ जाता है। अभी हम बीच वाले को 23 को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि उनका मल्टीप्लाई 90 के बराबर आ जाए और प्लस करें तो 23 के बराबर। तो हम इसको 18 और 5 में तोड़ लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 18x प्लस 5x में हमने इसको बीच वाले को तोड़ लिया है, बाकी सेम लिख दिया। अभी फर्स्ट दो में से 3x² प्लस 18x में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3x, तो अंदर बचता है x प्लस 6। और अभी हमें थर्ड और फोर्थ में भी इस हिसाब से कॉमन निकालना के अंदर x प्लस 6 बच जाए, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे अभी हम इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो x प्लस 6 यहाँ पे कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचता है, इसका 3x बचता है और इसका 5 बचता है बराबर है 0 के। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में बराबर है 0 के, तो कहने का मतलब दोनों में से एक तो 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं, इसको भी और इसको भी। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -6 और -5/3 आ जाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।